तो आप सबको जोहार। और यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग देखा जाए तो ये जो मूवी है एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया, ये दो लैंग्वेजेस में रिलीज हुई है, इंडिया में हिंदी इंग्लिश और बाकी शायद दूसरे लैंग्वेजेस में भी रिलीज़ हुई है, पर मुझे उसका डेटा मिला नहीं तो मैंने उसको इंक्लूड वैसे भी नहीं किया और उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहूँगा। बाकी अगर डेटा बाद में अवेलेबल हो जाता है तो उसकी भी डिटेल मैं आपको एक वीडियो बनाकर, मतलब सेपरेट वीडियो बनाकर दे दूंगा। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी वर्जन की और शुरुआत करेंगे यहाँ पर मॉर्निंग से। बाकी यहाँ पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं यहाँ शुरुआत करूँ मॉर्निंग से, तो मॉर्निंग में जो हमें ऑक्यूपेंसी देखने को मिली है वो देखने को मिली है 14.21%। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आफ्टरनून शोज की, तो यहाँ पर हमें ऑक्यूपेंसी देखने को मिली है 12.55%। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इवनिंग शोज की, तो यहाँ पर हमें ऑक्यूपेंसी देखने को मिली है 13.60%। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ नाइट शोज की, तो यहाँ पर हमें ऑक्यूपेंसी देखने को मिली है 13.72%। और इस तरीके से जो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी हमें देखने को मिली है इस मूवी की, वो देखने को मिली है 13.52%, वो भी हिंदी वर्जन में, जो कि देखा जाए तो अनएक्सपेक्टेड था। मतलब देखा जाए तो ये बहुत बड़ा डाउनफॉल है इस मूवी को लेकर, क्योंकि मुझे जिस तरीके से इस मूवी का क्रेज देखने को मिला था, जिस तरीके से लोग बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, जिस तरीके से एडवांस बुकिंग देखने को मिल रही थी, उस हिसाब से एक अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये फिल्म काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करेगी और काफी अच्छा खासा ऑक्यूपेंसी दिखाएगी। और यहां पर हिंदी वर्जन में पता नहीं क्या हो गया, मतलब इतनी तगड़ी जो मूवी ट्रेलर में लग रही थी उसके हिंदी वर्जन को लेकर लोगों में क्रेज क्यों नहीं है, ऑक्यूपेंसी क्यों देखने को नहीं मिल पा रही है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर हिंदी वर्जन में भी, मतलब हिंदी बेल्ट में भी इस फिल्म की जो क्रेज है वो काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर बनी हुई थी। मतलब लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे मूवी को लेकर, लेकिन वो चीज़ ऑक्यूपेंसी बढ़ाने में यहाँ पर दिख क्यों नहीं रही है, यहाँ पर अच्छी ऑक्यूपेंसी ये फिल्म क्यों नहीं दिखा पा रही है। मतलब आप देख सकते हो कि इस फिल्म की जो ऑक्यूपेंसी है वो 20% से भी कम है, जो कि देखा जाए तो खतरे की निशानी है, जो कि वक्त के साथ साथ शायद यहाँ पर 20 to 30, 30 to 40 की ऑक्यूपेंसी में बदल जाए वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो हमें ऑक्यूपेंसी नंबर्स देखने को मिले हैं वो बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, हिंदी वर्जन ने कितने का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है, तो देखा जाए तो फिल्म ने यहाँ पर 2 करोड़ का बिजनेस किया है अपने डे वन पे, जो कि देखा जाए तो बुरा कलेक्शन नहीं है, लेकिन जितना एक्सपेक्ट किया गया था उस हिसाब से फिल्म ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं किया। मतलब जिस हिसाब से इस फिल्म का क्रेज बना हुआ था उस हिसाब से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बिल्कुल भी नहीं किया है। देखते हैं कि फ्यूचर में ये फिल्म और कैसा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करेगी, अच्छा करेगी, बुरा करेगी, या फिर इससे कलेक्शन नीचे जा सकता है, या फिर क्या पता इससे ऊपर चला जाए, ये तो वक्त ही बताएगा। जुहार।